किसकी सरकार बनेगी तो 24 अक्टूबर तक साफ हो जाएगा कि इस बार किसने जीती है बाजी, ये देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो फिर से दो मोदी लहर देखने को मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा अलग कर रही है और भी पार्टियां हैं जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या रुझान रहेगा ये पूरा तरीके से साफ हो जाएगा 24 अक्टूबर को। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले वासन जी बता रहे थे कि कांग्रेस में बिखराव की बात पहले भी कही, लेकिन कई ऐसे नेता थे जो छोड़कर चले गए, कई नेता थे चाहे वो संजय निरुपम ही क्यों ना रहे हों, उर्मिला मातुकर भी रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी कोई सुनी ही नहीं जाती। तो कांग्रेस यहां पर लोकसभा चुनाव इतनी बुरी तरह से हारने के बावजूद भी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में, संगठन को मजबूत करने में एक नहीं रही, जिसका कहीं ना कहीं तो मैसेज गया कि वो अगर जनता चाहे भी विकल्प ढूंढने के लिए तो कैसे विकल्प ढूंढे। तो ऐसे नेता जो हमेशा आपकी पार्टी के साथ रहे, पार्टी के लिए प्रचार करते रहे, कोई प्रचार से अलग हो गया, तो क्या लगता नहीं है इस बार इसका नुकसान हो सकता है पार्टी को? देखिए दीपाली जी, मेरा इसमें मानना है कि कांग्रेस कोई एक नेता या दो नेताओं के बूते पर चलने वाली पार्टी तो है नहीं। राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे विशाल नेटवर्क आज भी अगर है, एक दो पार्टी तो नहीं, लेकिन एक मिनट तो, एक मिनट अनुज, एक बात और, क्योंकि ये जब प्रचार चल रहा था उसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का भले ही मध्य प्रदेश के मामले में क्यों ना हो इतना ज्यादा अलग हो जाना, ऐसे बड़े बड़े नेता का बयान आना, ये कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। देखिए मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर अंदरूनी जो बात की जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। इस चीज़ को प्रचार प्रसार नेगेटिव वे में ज़्यादा किया गया, बड़ा चढ़ा के किया गया, वरना एक या दो नेताओं का अपवाद छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े संगठित तरीके से चुनाव हमको दिखा है कि लड़ा है, किस प्रकार से लड़ा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस का जो पुराना इनका इतिहास रहा है, कल्चर रहा है, आज भी उसी पर स्टैंड रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर जब से ये मोदी जी और अमित शाह जी का युग आया है, कहा जो परसेंटेज है वो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम है। पिछली बार 76% था यहाँ पर महाराष्ट्र में, वहीं पर 64% हरियाणा में था, लेकिन इस बार यहाँ पर काफ़ी कम वोटिंग हुई है, 62 और लगभग 52% हरियाणा में ये वोटिंग हुई है। कवरेज लगातार जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।